नमस्कार बच्चों, आज हम लोग शब्द भेद देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको हमने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही वाक्य बनता है, या यूं कहें कि एक वाक्य में अधिकतम ये 8 ही पार्ट हो सकते हैं, 8 ही चीजें हो सकती हैं। आइए देखते हैं नाउन किसे कहते हैं। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम, यहां पर भूल गए, इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। सामान्यतः परिभाषाओं में यहां तक परिभाषा मिलती है, पर्सन, प्लेस, थिंग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन क्वालिटी भी संज्ञा के अंतर्गत आती है, कंडीशन भी आ जाती है और एक्शन भी आती है। इन सब का एक एक उदाहरण यहां पर लिख दिया है। देखिए, पर्सन मुकेश, प्लेस पटना, थिंग वस्तु पेन, क्वालिटी ऑनेस्टी ईमानदारी भी आपका नाउन है। कंडीशन माने स्थिति, इलनेस बीमारी, और एक्शन के अंतर्गत मूवमेंट गति। दूसरा पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पर प्रयोग होता है। जैसे मुकेश की जगह पर वह लिख दिया जाए, या किसी कहानी की शुरुआत किसी लड़की के नाम से हुई, उसके बाद में दूसरा वाक्य होगा उसमें सी लिख दिया जाए। क्योंकि कहानियां या कोई भी चीज है, लिखने का एक क्रम है कि अगर मान लो हमें मुकेश पर ही कुछ कहानी लिखनी है कि मुकेश एक अच्छा लड़का है, मुकेश इस कक्षा में पढ़ता है, मुकेश ऐसा करता है, तो बार बार आप नाम नहीं लिखेंगे। एक बार आप नाम लिख के फिर वह इस कक्षा में पढ़ता है, वह ऐसा करता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पर प्रयोग होता है। The word used in place of a noun is called a pronoun. ऐसा शब्द जो noun की जगह पर प्रयोग होता है उसे pronoun कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। Noun संज्ञा, pronoun सर्वनाम। जैसे he, she। तीसरा आता है adjective। एडजेक्टिव माने विशेषण। विशेषण वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है कि मुकेश अच्छा है या वह अच्छा है। अब वो विशेषता चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे सकारात्मक हो, चाहे नकारात्मक हो। यहां पर विशेषता का अर्थ इससे मत लेना कि नहीं जो अच्छा, अच्छी स्थिति ही विशेषता होगी, नहीं, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, दोनों स्थितियां एडजेक्टिव में आ जाएंगी। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड
विशेषण एक ऐसा शब्द है विच क्वालिफाइज, जो विशेषा विशेषता दिखाता है या विशेषता प्रदर्शित करता है और डिस्क्राइब्स अथवा वर्णन करता है ए नाउन और प्रोनाउन, एक संज्ञा या सर्वनाम की, जैसे कोल्ड, बिग, ब्लैक, ये शब्द हैं ठंडा, बड़ा, काला। चौथा आपका है वर्ब क्रिया। क्रिया किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के होने या करने का इससे पता चलता है। व्यक्ति क्या कर रहा है या स्थान के विषय में जानकारी मिलती है इससे। द वर्ड एन एक्शन और स्टेट और बीइंग ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड वर्ब, जैसे प्ले खेलना, खेलना एक क्रिया है, डांस नाचना। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। मेरी समझ में ये जो एडवर्ब शब्द है ये शायद एडजेक्टिव ऑफ वर्ब रहा होगा, ये मेरा अनुमान है। ये मूल रूप से शब्द एडजेक्टिव ऑफ वर्ब रहा होगा, जिसमें से एड ये निकाला और वर्ब ये मिला के बना दिया एडवर्ब, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि यह ऐसा है, अनुमान है हमारा कि एडजेक्टिव ऑफ वर्ब यही इसका फुल फॉर्म हो सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है एडवर्ब का मतलब ऐसा शब्द जो वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब जो वर्ब की विशेषता बताए। नाचता है तो कैसे नाचता है, धीरे धीरे नाचता है या जल्दी जल्दी नाचता है। काम करता है तो बहुत तेज करता है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वर्ब ऐसा शब्द होता है जो एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो वर्ब के अर्थ को मॉडिफाइज करता है, प्रदर्शित करता है, उसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है या अन्य किसी एडवर्ब की, जैसे वेरी तेज, स्लोली धीरे से या धीरे धीरे। छठा है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन माने होता है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय माने एक चीज का दूसरे चीज से संबंध बताएगा। जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है और दो चीजों के बीच में संबंध बताता है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होने वाला प्रीपोजिशन अन्य नाउन या प्रोनाउन से इसका संबंध दिखाता है, जैसे ऑफ, इन, टू, ये आपके प्रीपोजिशन है। मैं कानपुर जा रहा हूं, मेरा संबंध कानपुर से दिखा दिया। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, टू कानपुर। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना,
ऐसा शब्द जिससे दो वाक्य जुड़ते हों, ऐसा शब्द जिससे दो बातें आपस में जुड़ती हों उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो जो फिर भी लगा है इसमें, वह गरीब है इस वाक्य को और वो ईमानदार है इस वाक्य को फिर भी शब्द जोड़ रहा है। इसमें के कुछ उदाहरण है आपके, बट, जैसे बट है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयाद बोधक शब्द, ऐसे शब्द जिससे विस्मय हो, आश्चर्य हो, हृदय की भावना एकदम प्रकट हो, वो दुख की भी हो सकती है और खुशी की भी हो सकती है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच शोज सम सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट। विस्मय बोधक शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो हृदय की अचानक उठने वाले अनुभवों को दिखाता है, जैसे जॉय, हृदय में उठने वाले अनुभवों जैसे प्रसन्नता या दुख को प्रदर्शित करता है। जैसे आपके किसी जानने वाले ने बहुत अच्छा काम किया तो आपने कहा शाबाश, या बहुत कष्ट में आप अरे आह, इन शब्दों का प्रयोग होता है, ब्रेवो, एलस और भी शब्द हैं। तो बच्चों अब इसके बाद में हम, ये तो एक ब्रीफ में था, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, ये जो 8 पार्ट हैं ये ब्रीफ में था, अब इसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। नाउन को डिटेल में करेंगे, प्रोनाउन ऐसे सभी को करेंगे, इनका सबका अध्ययन करने के बाद में फिर और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।